इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर उपचुनाव अपडेट के साथ हम हैं आपके साथ मौजूद। रामपुर से खबर आ रही है आजम खां के हक में। समाजवादी पार्टी और आजम खां की बीबी तंजीम फातिमा जो है वो लीड कर रही हैं रामपुर से। जी हां, तंजीम फातिमा जो है वो 12,363 वोटों से जो है वो आगे चल रही हैं रामपुर से। आजम खां का गढ़ माना जाता है रामपुर का, और आजम खां 9 बार से जो है यहाँ विजय रहे हैं। इस वक्त जो है वो साख उनकी दांव पे लगी है, और इस वक्त इस अच्छे प्रदर्शन से कहीं ना कहीं आजम खां को राह ज़रूर मिली होगी। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को इस वक्त जो है 7 राउंड की वोटिंग के बाद 22,100 वोट मिले हैं, जबकि उनके पीछे हैं भारत भूषण बीजेपी के, जिनको 9,727 वोट मिले हैं। उसके बाद कांग्रेस 1,307 वोट मिले हैं, और PSP 341 वोट मिले हैं। गौरतलब है कि ये बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी उम्मीद है कि इनकी ज़मानत जो है उस बार जब्त हो जाएगी। सिर्फ 2 पार्टी में से सिर्फ एक ही पार्टी इस बार विजयी होगी, या तो उम्मीद के हिसाब से समाजवादी पार्टी इस वक्त फिर मैदान मार जाएगी, या फिर अगर टक्कर उसको कोई पार्टी दे सकती है वो BJP है। लेकिन इस वक्त BJP की इस वक्त जो है उम्मीदें काफ़ी कम दिख रही हैं। चुनाव के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।